नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे सनबर्न के विषय में। सनबर्न जो कहीं ना कहीं आपको कॉस्मेटिक दिक्कत भी देता है और कहीं ना कहीं आपको मेंटली ये परेशान भी करता है। वक्त की मजबूरी है, काम की मजबूरी है। हिंदुस्तान में अब गर्मी ज़्यादा पड़ने लगी है, लेकिन इंसान को धूप में निकलना है। हम सब के पास, हर किसी के पास हर वो साधन नहीं होता कि जो वो धूप से बच सके और उसको सनबर्न हो जाता है। विदेशों में तो बीचेस पे सनबर्न होता है, लेकिन हम लोग क्योंकि सुबह से रात एक वर्क काम ही करने वाले लोग होते हैं, तो हम लोग तो जो अपने काम पे जाते हैं रास्ते में सनबर्न हो जाता है। हम आपको बताएंगे इस सनबर्न को ख़त्म करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएँ, वो दवाएँ जो आपके इस कॉस्मेटिक ट्रबल को ख़त्म करेंगी और आपको जो है आपके इस पिगमेंटेशन को ख़त्म करके आपको कॉन्फिडेंस में इजाफा करेंगी। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं सनबर्न होता क्या है। जैसा कि नाम बता रहा है और जैसा कि आप जानते हैं, आप जानने के बाद इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सन जो होता है, सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, वह जब हमारी स्किन पे पड़ती हैं तो वह स्किन को बर्न करती हैं, यही सनबर्न होता है। जब भी आपके इस यह सनलाइट पड़ती है तो आप कुछ देर बाद जब स्किन को टच करते हैं, अगर इसको टेक्निकल भाषा में आपसे बात करें तो जब आपका सनरेज आपके पड़ती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज उसकी पड़ती हैं, यूवीए और यूवीबी, यूवीसी नहीं इस अर्थ तक पहुंच पाती, लेकिन जो यूवीए और यूवीबी है, अल्ट्रावायलेट ए और अल्ट्रावायलेट बी, वो जब आपकी स्किन पर पड़ती हैं तो वो आपको वहाँ पे गर्मी महसूस कराती हैं, लाली महसूस कराती हैं, जलन महसूस कराती हैं। अगर यही तीन बातें हैं तो समझ लीजिए कि आपके सनबर्न है और आपको उसको इलाज करना है और आगे सन के एक्सपोजर को कम करना है, क्योंकि आपके स्किन के लिए उतनी सनलाइट ज़्यादा हो रही है। सनबर्न के साथियों सिम्टम्स साथियों, जैसे हमने बताया कि सनबर्न का सिम्टम जब आपके सन की लाइट पड़ी उसके बाद कुछ देर बाद आपने टच करा तो वहाँ पे गर्म है, स्किन गर्म हो सकती है, हॉट हो सकती है, रेड हो सकती है, इची हो सकती है और बर्निंग करती है। और अगर यह बार बार होता है तो वहाँ पे आपके ब्राउन पैच यानी मिलानिन का पैच भी बन सकता है। तो यह जो होते हैं, यह सिम्टम्स होते हैं आपके सनबर्न के। वक्त के साथ यह स्किन पील हो जाती है और फ्रेश स्किन आपके आ जाती है, लेकिन समझदारी इसमें कि जो नुकसान आपको मालूम पड़ गया उसको आप आगे ना होने दें, यानी सन को उतना ज़्यादा एक्सपोज ना लें जो आपको सनबर्न कॉज करे। इसके कारणों की बात कर लेते हैं साथियों। सनबर्न का कारण साथियों सन की रेज होती हैं। इसमें दो रेज का काम होता है। पहला होता है अल्ट्रावायलेट ए और अल्ट्रावायलेट बी। एक अल्ट्रावायलेट सी भी रेज होती हैं सन रेज, लेकिन वहाँ अर्थ तक नहीं पहुँच पाती। तो अल्ट्रावायलेट ए और अल्ट्रावायलेट बी जो होती हैं यही आपकी सनबर्न का कॉज होती हैं। जो अल्ट्रावायलेट ए रेज होती हैं यह आपका एजिंग प्रोसेस की रेज होती हैं, यानी कि आपको वक्त के साथ वो रेज जब आपके पड़ती हैं तो वो आपकी स्किन में एजिंग लाती हैं। और अल्ट्रावायलेट बी जो होती हैं वह आपके पिगमेंटेशन लाती हैं। जब अल्ट्रावायलेट बी पड़ती हैं तो आपका शरीर उनसे बचने के लिए, उन रेज से बचने के लिए मेलानिन पिगमेंट को प्रोड्यूस करता है, जो ताकि जो वह सन रेज हैं वो आपके ऊपरी स्किन का जो अपर हिस्सा है उसी को डैमेज करे, अंदर पेनिट्रेट ना कर पाए। इसके लिए कुदरत मेलानिन बनाती है, लेकिन बहुत लोग होते हैं जेनेटिकली जिनके मेलानिन नहीं बनती है ज़्यादा, उनके सनबर्न ज़्यादा होता है। तो ऐसे लोगों को अल्ट्रावायलेट रेज से बचना है, क्योंकि उनके मेलानिन ज़्यादा बन नहीं रहा है और अल्ट्रावायलेट बी रेज आ रही हैं, बॉडी को हिट कर रही हैं और वहाँ पे वो बर्न कर रही हैं। तो आपको उस धूप से बचना है। कहा जाता है सुबह की धूप अच्छी होती है, दोपहर के बाद धूप की जो क्वालिटी होती है वो डिग्रेड होती है, तो सुबह की धूप लें लेकिन दोपहर और शाम की धूप लेने का प्रयास कम करें। बताते हैं अब साथियों आपको सनबर्न को ठीक करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। इन दवाओं के माध्यम से कोशिश है कि आपको अपने हर सवाल का, हर सिम्टम का जवाब एक दवा के रूप में मिल जाए, लेकिन यह दवा एक आपके एजुकेशन के लिए है, जानकारी के लिए। होम्योपैथी में दवाएं आती हैं इस बात को पक्का करने के लिए है। कोई भी दवा बिना किसी कुशल चिकित्सक से पूछे न लीजिएगा। चलते हैं साथियों, बताते हैं आपको
सनबर्न को खत्म करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। साथियों, नंबर एक दवा होम्योपैथी में जो सनबर्न को ठीक करने की है वह है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। आप देखेंगे कि आपका इस दवा के लेने से आपका सनबर्न खत्म होने लगा। और साथ ही में एक दूसरी दवा है जो कि स्पेसिफिक है सनबर्न की और बहुत कारगर दवा है, और वह है सॉल। जी हाँ, SOL, सॉल। सॉल एक बहुत कारगर दवा है होम्योपैथी में, जो अगर आपके सनबर्न हुआ है तो वह यह दवा उस सनबर्न को ठीक कर देगी। सॉल के मरीज की साथियों स्किन इतनी सेंसिटिव होती है कि उसको ज़रा सा भी कुछ एक्सपोजर से रैशेज आ जाते हैं, लाली आ जाती है, इचिंग होने लगती है। धूप का जरा सा एक्सपोजर हुआ और उसका स्किन भी लाल हो गई, उनको इचिंग भी होने लगी, उनको जलन भी होने लगी। तो अगर यह सेंसिटिविटी आपका सनलाइट से इतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी आप में है तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा सॉल है। सॉल को 30 पावर में 2-2 बूंद आप दिन में 3 बार लेकर, या इसको आप अगर बायोकेमिक फॉर्म में लेते हैं, इसको आप 3x फॉर्म में ले लें, 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार, तो आपका यह जो सन से आपकी सेंसिटिविटी है, जो आप ये कहते हैं साहब हम धूप में निकलते हैं तो हमारे बर्न हो जाता है, यह लाइन जो आपकी है यह पूरी तरह ठीक हो जाएगी। आप इस लाइन को कहना बंद कर देंगे क्योंकि आपकी समस्या ही नहीं रहेगी। तो आप सैलिसिलिक एसिड और सॉल इन दवाओं के उपयोग से अपने सनबर्न को ठीक कर सकते हैं। फिर साथियों एक स्थिति आती है जिसको हम लोग कहते हैं सन स्ट्रोक। आप एकदम से गर्मी में आए या गर्मी वाली जगह पे मान लीजिए आप घूमने गए, आपको बहुत तेज़ खड़ी धूप लगी और उससे आपके सर में दर्द और फटीग बेहोशी आने लगी, तो अगर सन स्ट्रोक की स्थिति हो तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा नैट्रम यूरियाटिकम है। आप नैट्रम यूर 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आपका सन एक्सपोजर से होने वाला फटीग और सन स्ट्रोक ठीक हो जाएगा और आप बेहतर महसूस करेंगे। नैट्रम यूर के पेशेंट को आमतौर पर नमकीन यानी नमक खाने में ज़्यादा पसंद होता है, तो अगर आप में यह सिम्टम है तो नैट्रम यूर आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस है। आप इसको लेकर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं, सन स्ट्रोक और सन बर्न दोनों से बच सकते हैं। फिर साथियों एक स्थिति आती है कि जब आपके धूप पड़ी, सन का एक्सपोजर हुआ, तो आपकी स्किन में जलन और लाली होने लगी, तो अगर आपके यह सिम्टम हो कि आपको धूप से स्किन में जलन और लाली होने लगे तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा बेलेडोना है। आप बेलेडोना 2-2 बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में ले सकते हैं। जब धूप से आपके जलन होती हो, धूप से आपके लाली होती हो और आपको बहुत उस हिस्से में जिस हिस्से में धूप से एक्सपोज हुआ है उसे बहुत गर्म लगता हो, उस स्थिति की ड्रग ऑफ द चॉइस बेलेडोना है। फिर साथियों एक स्थिति आती है कि आपके सन एक्सपोजर हुआ और धूप के एक्सपोजर से आपके भयंकर सर में वर्टिक्स पे यहाँ पे दर्द होने लगा, तो अगर यह स्थिति आपको हो कि आपके धूप के एक्सपोजर होते ही आपके सर दर्द होने लगे और आपके पेट में खौलन ऐसी मचने लगे तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है ग्लोनाइन। आप ग्लोनाइन 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आपका धूप से होने वाले बर्न्स, धूप से होने वाला हेडेक और धूप से होने वाला माइग्रेन तीनों चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी और आप अपने को स्वस्थ पाएंगे। एक स्थिति होती है सनबर्न के केस में किसी पेशेंट को हो सकती है कि उसके इतना ज़्यादा धूप पड़ी हो कि छाले पड़ गए हों, बॉयल्स हो गए हों, तो अगर यह स्थिति हो कि आपको धूप इतनी एक्सपोज हो गए हों कि आपके शरीर पे छाले पड़ गए हों, स्किन पे छाले आ गए हों, उस स्थिति को ठीक करने की, उन छालों को ख़त्म करने की और सनबर्न को ठीक करने की बहुत कारगर दवा होम्योपैथी में कैंथेरिस है। आप कैंथेरिस 32 बूंद दिन में 3 बार लेकर अपने छालों को भी सही कर सकते हैं, अपने स्किन बर्न को भी सही कर सकते हैं और हमेशा के लिए वो जो एलर्जी है, जलन है, उसको ख़त्म कर सकते हैं। फिर साथियों एक स्थिति आती है कि धूप से आप इतना ज़्यादा एक्सपोज हुए कि बेहोश होकर गिर गए और कभी कभी कोई कोमा में भी चला गया, अगर वहाँ तक की धूप से स्थिति है तो उसको ठीक करने की भी होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है ओपियम।
आप ओपीएम 200 पावर में दो दो ड्रॉप दिन में तीन बार उस स्थिति में ले सकते हैं जब आपके सनबर्न और सन एक्सपोजर से आप चक्कर खा के गश खा के गिर गए हों, तो ओपीएम आपको ठीक कर देगी और आगे आप में ऐसा होने से बचाएगी। फिर साथियों एक स्थिति आती है आपके सनबर्न के केस में कि आपके सनबर्न हो गया हो और वहाँ पे आपके जहाँ सनबर्न हुआ चुभन हो रही हो, तो अगर वो प्रिकिंग जो होती चुभन, अगर चुभन वाला सेंसेशन आप में महसूस हो रहा हो स्किन में सन के ज़्यादा एक्सपोजर के कारण, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा एपिस मेलिफिसिया है। आप एपिस मेल 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार दे सकते हैं। इससे आपका सनबर्न भी ख़त्म हो जाएगा, आपके शरीर की चुभन भी ख़त्म हो जाएगी और आप ठीक हो जाएंगे। एपिस का मरीज को जनरली प्यास बहुत कम लगती है, थर्स्टलेस होता है, तो अगर यह सिम्टम आप में है तो आपकी दवा एपिस मेल 30 है, इसको दो दो बूंद दिन में तीन बार लेकर आप स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। फिर साथियों की स्थिति आती है जब सन का एक्सपोजर होता है, बहुत अपने साथियों को सन का एक्सपोजर हुआ और उसके बाद उनको धूप के अपने सामने होने से उनको चक्कर आने लगे, वर्टिगो हो गया और उनकी आँखें भारी होकर पलकें गिरने लगीं। अगर यह स्थिति हो आप में कि धूप के एक्सपोजर से आपको चक्कर आ जाता हो और आपकी आँखों की पलकें भारी हो जाती हों, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है जलसीमियम सेमी परवाइनम। जलसीमियम 30 दो दो बूंद दिन में तीन बार आप उस स्थिति में ले सकते हैं जब आपको चक्कर आता हो और धूप में आपको पलकों पे भारीपन आ जाता हो। जलसीमियम के मरीज को आमतौर पे प्यास नहीं लगती है और डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, वीकनेस, यह बातें उसको कंपनी करती हैं। तो अगर यह आप में तकलीफ हो और सनबर्न का केस हो तो जलसीमियम आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस है, यह दवा आपको ठीक कर देगी। फिर साथियों की स्थिति आती है कि सवेरे सवेरे आपको धूप लगी और धूप लगते ही आपके शरीर पर खुजली होने लगी, इचिंग होने लगी, तो अगर यह स्थिति आपके हो कि आपके धूप शरीर पर पड़े और आपको खुजली महसूस हो और आपके सनबर्न हो जाए, उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा सल्फर है। आप सल्फर 1 mg की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली ले सकते हैं उस स्थिति में जब आपको सन के जरा भी एक्सपोजर से शरीर में खुजली हो जाती हो, सनबर्न हो जाता हो और खुजलाते हो तो पूरा लाल हो जाता हो। सल्फर के मरीज को आमतौर पर नहाने का इच्छा कम होती है, थोड़ा सा एक डर्टी लुकिंग फेस होता है और मीठा खाना उसे बहुत पसंद होता है। तो अगर यह सिम्टम आप में है तो सल्फर आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस है, इस दवा को लेकर आप स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये साथियों को दवाएं थी सनबर्न की, सन से धूप से होने वाली तकलीफों की। कोशिश करिए साथियों कि इन सिम्टम्स के माध्यम से आपके ज्यादातर सवालों के जवाब दवा के रूप में आप तक पहुंच जाए। दवाएं कारगर हैं साथियों, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे ना लीजिएगा। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा हो तो आप YouTube नोटिफिकेशन में पैनल में अपनी क्वेरी को लिख सकते हैं या फिर हमारा WhatsApp नंबर जो कि नीचे नोटिफिकेशन में मेंशन है, आप उस नंबर पे WhatsApp करके अपनी समस्या का संतोषजनक उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। पूरा प्रयास करेंगे आपको रेलिवेंट सवालों का जवाब रिवर्ट करें। अगर साथियों आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन बटन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों हमारे साथ रहने के लिए, साथ देने के लिए, वक्त निकालने के लिए और भरोसा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।